हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूँ श्वेता। मुंबई में शनिवार यानी 20 जनवरी के दिन एक कार्यक्रम के दौरान अभिनेता इरफान खान को अपनी फिल्म हिंदी मीडियम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, इरफान खान को 2018 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सौंपा गया, जिसके बाद फेमिना इंडिया मैगजीन ने इरफान खान को बधाई दी। लेकिन मैगजीन के ट्विटर हैंडल ने इरफान को बधाई देने के दौरान एक बड़ी चूक कर दी। दरअसल फेमिना इंडिया मैगजीन ने यह बधाई फिल्म अभिनेता इरफान खान की जगह भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान को दे दी। फेमिना इंडिया ने अपने ट्विटर से बधाई देते हुए ट्वीट में इरफान खान की जगह इरफान पठान को टैग कर दिया। फेमिना इंडिया मैगजीन के इस ट्वीट के बाद टीम इंडिया से बाहर चल रहे इरफान पठान मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जैसा जवाब इरफान पठान ने फेमिना को दिया है उसके बाद तो यही लग रहा है। दरअसल फेमिना ने ट्वीट करते हुए इरफान पठान को टैग करते हुए लिखा, आपको जो अवार्ड मिला यकीनन आप उसके हकदार थे। जिसके जवाब में इरफान पठान ने कहा, थैंक यू एंड सॉरी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसे आप बधाई दे रहे हैं, फिर भी आप चाहे तो अवार्ड मेरे घर भेज सकते हैं। जैसे ही पठान ने फेमिना इंडिया मैगजीन के ट्वीट का जवाब दिया, लोगों ने सोशल मीडिया पर इरफान पठान की चुटकी लेने शुरू कर दिए। जी हाँ, किसी ने ट्वीट करके लिखा कि इरफान भाई, जरूर आपको यह अवार्ड जीतना चाहिए था, तो किसी ने इरफान खान को टैग करते हुए लिखा कि सर, आपका अवार्ड तो कहीं और जा रहा है। जी हाँ, तो कुछ ऐसे ही ट्वीट से सोशल मीडिया भर गया उस वक्त जब फेमिना इंडिया मैगजीन ने इरफान खान की जगह इरफान पठान को बधाई दे दी। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ फिल्मी बीट पर।